नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अभिषेक सागर है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर कंप्यूटर्स के बारे में। जब बात होती है सुपर कंप्यूटर्स की तो लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा रैम, बहुत बड़ी हार्ड डिस्क, मेमोरी बहुत ज़्यादा, मतलब सारा जो भी कंप्यूटर के कंपोनेंट हैं वो सारे एकदम अपर लेवल पे, मतलब सबसे हायर लेवल पे, सबसे ज़्यादा कंप्यूटिंग उसमें फास्ट हो सकती है। ऐसे काम हो सकते हैं जो अपने नॉर्मल कंप्यूटर से आप कभी भी नहीं कर सकते। अभी आपने देखा होगा कि जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो चाइना में है, लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया। अब सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर समिट नाम का टेनेसे में है, यूनाइटेड स्टेट्स में है, जो कि अभी देखने को मिला है। हाल फिलहाल की ये न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़ है, तो अभी इसको शुमार नहीं किया गया है उस लिस्ट में सुपर फास्ट कंप्यूटर्स की में, लेकिन जब भी ये लिस्ट अपडेट होगी तो इस कंप्यूटर का नाम वहाँ पर शामिल ज़रूर होगा। अब बात यहाँ पर आ रही है सुपर कंप्यूटर्स की, तो हम देखते हैं कि सुपर कंप्यूटर्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स में आप जानते हैं बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर है। इतने प्रोसेसिंग पावर को हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ये एक फैक्ट है कि हम एक सुपर कंप्यूटर घर में खरीद के नहीं रख सकते। खरीद के रख सकते हैं जो अगर आपके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं तो अलग बात है, लेकिन वो आपके घर में आएगा भी नहीं। वो दो टेनिस कोर्ट के बराबर के एरिया में वो आता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, हम अगर मैं आपको बता दूं कि समिट नाम का सुपर कंप्यूटर है जिसकी जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है मैं ज़रा आपको कंपेयर करने के लिए बता दूं। अगर इस दुनिया में हर एक इंसान एक कैलकुलेशन एक सेकंड में करता है तो दुनिया के जितने भी इंसान हैं उसको एक साल लगेगा, लगभग 300 कुछ दिन लगेंगे वो कैलकुलेशन करने में जो ये कंप्यूटर सिर्फ एक सेकंड में कर देता है। मतलब फिर से बता रहा हूँ मैं, इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो अगर एक कैलकुलेशन एक सेकंड में करते हैं, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, फिर भी इंसानों को एक साल लग जाएगा वो काम करने में, हम सब इंसानों को, जितना उस कंप्यूटर को एक सेकंड में लगेगा। इससे आप पता लगा सकते हैं कितना कितना फास्ट है। अगर एक इंसान की बात की जाए तो जो वो कर सकता है उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं, कितने मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे, समझे मेरी बात आप, इतना पावरफुल ये कंप्यूटर है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट करने के लिए। आप जानते होंगे कि अमेरिका में जो भी न्यूक्लियर वेपन टेस्ट होते हैं वो सही के फील्ड में नहीं होते, क्योंकि ये बंद हो गया, पहले होते थे, अब ये बंद हो चुका है, अमेरिका में नहीं होता, क्योंकि जब वो टेस्ट किए जाते हैं तो खतरा होता है बहुत ज़्यादा उस जगह को भी रेडिएशन का, और जो वहाँ के लोग रहते हैं उनको भी। तो ये कृत्रिमिक रूप से कंप्यूटर में ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है, कंप्यूटर में सारे फैक्टर क्रिएट किए जाते हैं और वहाँ टेस्ट किया जाता है। हर एक फैक्टर, हर एक चीज़ को दोबारा कंप्यूटर की दुनिया में आप कह सकते हैं डिजिटली क्रिएट किया जाता है, उसके बाद देखा जाता है कि इस न्यूक्लियर वेपन का क्या असर होने वाला है। तो इससे क्या होता है कि जो हम इंसान हैं, जो हमारे आसपास का जो सराउंडिंग है वो सेफ रहता है, और हम ये टेस्ट भी कर लेते हैं कि न्यूक्लियर वेपन कितने दूर तक असर करेगा। अब अगली बात आती है कि हम वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं। आप जानते हैं हमारे देश में जितनी भी लोग कमाते हैं ज़्यादातर वो किसान हैं, चाहे गाँव में कह लो शहरों में कह लो, जो हमारी बेसिक हमारा जो काम है वो किसानी का है, एग्रीकल्चर का है। तो ऐसे में हमें मौसम के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, हमें ये देखना पड़ता है कि बारिश कब हो रही है कब नहीं हो रही है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, अपने पूरे पृथ्वी का जो भी सराउंडिंग है उसको कृत्रिमिक रूप से कंप्यूटर में हम जनरेट करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं जो भी टोर्नेडोज हैं, वेदर के जो भी क्लाइमेट के जो भी पैटर्न्स हैं उसको हम मैपिंग कर सकते हैं। आप मैपिंग शब्द अच्छा रहेगा, उसको कंप्यूटर में मैपिंग कर सकते हैं, उसके बाद देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या तूफान आने वाला है, बारिश कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इवन आपने सुना होगा कि अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, सही मायने में बात सही भी है, अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन जो भी अर्थ की प्लेट्स हैं उनको प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि उन पर भूकंप का क्या असर होगा। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि कौन सी जगह पृथ्वी पर सिस्मिक जोन में आती है, कहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो अर्थक्वेक से बचाने के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, इवन किसी लाइलाज बीमारी को ट्रीट करने के लिए भी सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं हर दवाई का एक केमिकल फार्मूला होता है, और एक बायोलॉजी में भी आप देखते हैं एक बीमारी का अलग एक पैटर्न डिसाइड किया जाता है, एक मेडिसिन होती है किसी, मैं बायोलॉजिस्ट और केमिस्ट तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी इतना जानता हूँ कि जो भी बीमारी होती है उसके लिए अलग अलग दवाइयाँ बनाई जाती हैं। कोई भी वायरस H1N1 फैलता है उसके ऊपर दवाइयाँ बनाई जाती है, हिट एंड ट्रायल मेथड से मेडिसिन को टेस्ट किया जाता है कि कौन सी मेडिसिन इसका असर कम कर रही है, छोटे छोटे सब्जेक्ट पर टेस्ट किया जाता है, लेकिन काफ़ी हद तक हम कभी सब्जेक्ट तक नहीं कर सकते। केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए भी हमें कंप्यूटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, और ये नॉर्मल कंप्यूटर इसमें इस्तेमाल नहीं होगी, क्योंकि इसमें एक सेकंड में कई लाख कैलकुलेशन छोटे छोटे करने होते हैं जो कि सिर्फ सुपर कंप्यूटर कर सकता है, क्वांटम कंप्यूटर्स कर सकते हैं, सुपर कंप्यूटर कर सकता है। इसके बारे में, क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में मैंने अलग वीडियो बनाई है, आपको आई बटन में मिल जाएगी, ज़रूर देखिए।
तो मैंने आपको बता दिया कि किस लिए सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल किया जा सकता है। लाइलाज बीमारी को ठीक करने के लिए भी किया जा सकता है, इवन इंसानी डीएनए को समझने के लिए भी किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं, डीएनए इंसान का इतना कॉम्प्लेक्स है कि अभी तक पूरी तरीके से उसे कोई भी समझ नहीं पाया। अगर उसको डीएनए की एक लंबी चेन बनाई जाए तो पृथ्वी के कितने चक्कर काट सकता है, इतना लंबा होता है। इवन हमारे शरीर में जो भी ब्लड स्ट्रीम है, हमारी जो नसें हैं वो इतनी लंबी हैं, उनको एक एक चीज़ को समझने में बहुत टाइम लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करने के लिए बहुत फायदेमंद। मतलब एनएसए की बात करते हैं और कहाँ यूज़फुल हो सकता है। मैं इस वीडियो को बहुत ही नॉर्मल बना सकता हूँ लेकिन मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सुपर कंप्यूटर से क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। एनएसए है जो सीक्रेट एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी है, जिसका काम है ये देखना कि कोई टेररिस्ट ग्रुप कोई कम्युनिकेशन तो नहीं कर रहा। यू नो इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, उनका काम यही होता है। अब जो भी हमारी कम्युनिकेशन हो रही है, मोबाइल कम्युनिकेशन कह लो चाहे इंटरनेट पर कम्युनिकेशन कह लो, वहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं टेररिस्ट के द्वारा, गलत लोगों के द्वारा, जो कि ये ट्रिगर करते हैं कि वो इंटरनेट पर कुछ गलत चीज़ को प्लान कर रहे हैं। अब लाखों लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, उनमें से ऐसे लोगों को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, नॉर्मल कंप्यूटर्स के लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन सुपर कंप्यूटर्स के लिए ये मुश्किल नहीं है। आजकल के दौर में जहाँ कम्युनिकेशन में वीपीएन इंक्रिप्शन का इस्तेमाल हो रहा है, नॉर्मल इंसान तो उसको डिक्रिप्ट ही नहीं कर पाएगा, उसके पास तो की ही नहीं है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से किसी भी चीज़ से, किसी भी एल्गोरिथम को क्रैक किया जाए, किसी भी कम्युनिकेशन को क्रैक किया जाए, इंक्रिप्शन को क्रैक किया जाए, उसके लिए सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे ऑपरेशन हमें करने पड़ते हैं। उनकी वार्तालाप, जो भी वो बातें कर रहे हैं, उनको कैसे हम डिक्रिप्ट करेंगे, उसके लिए हमें सुपर कंप्यूटर चाहिए। जैसे दो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंक्रिप्शन आजकल जो भी टेररिस्ट हैं डीप वेब डार्क वेब पर आसानी से मिल जाते हैं और वो ऐसे ही कम्युनिकेट करते हैं। उनकी कम्युनिकेशन को तोड़ने के लिए, डिक्रिप्ट करने के लिए, देश को बचाने के लिए, वो क्या बात कर रहे हैं, उनका क्या प्लान है, उसको जानने के लिए एनएसए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करती है। मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि हमारी जो भी साइबर लॉ है इंडिया में और जो भी चीज़ें हैं वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका जैसे डेवलप्ड देश की जहाँ पर एनएसए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करती है। भारत में भी बहुत जल्दी इसका इस्तेमाल होने लगेगा। अब हम देख रहे हैं कि जो भी पॉलिसीज़ हैं बदल रही हैं, धीरे धीरे साइबर लॉज और स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। आशा करता हूँ हमारे यहाँ भी ये चीज़ें जल्दी आ जाएँ और हम भी सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल ऐसे बुरे लोगों को, आतंकवादी गतिविधियों को पकड़ने के लिए करें। वैसे अभी हम क्या करते हैं, दूसरे देशों की हेल्प लेते हैं। आशा करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि सुपर कंप्यूटर आने के बाद हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं और हमारी भलाई के लिए क्या क्या कर सकते हैं। बेसिकली सारा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। अभी ये इंक्लूड होने वाला है समिट नाम का, उसके बाद देखते हैं लिस्ट अपडेट होगी, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अभी जो है चाइना में है, हम जानते हैं उसका कितना 93000 ऑपरेशंस पर सेकंड वो कर सकता है, इतनी स्पीड है इसकी। पेटाफ्लॉप्स में भी मेजर की जाती है। आपको पूरी डिटेल, अब देखो मैं आप ये खत्म करने, ये बोल के खत्म नहीं कर देना चाहता वीडियो कि इसमें 512 GB के इतने सारे रैम के स्लॉट हैं, इसमें ये है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। हम ये सब जानते हैं कि सुपर कंप्यूटर के जितने भी स्पेसिफिकेशन होंगे वो हाई एंड होंगे, आपके नॉर्मल कंप्यूटर बहुत ज़्यादा होंगे। मेरा काम सिर्फ आपको खुश करना नहीं है ज़्यादा स्पेसिफिकेशन बता के, मेरे को ये मतलब है मेरे को कि मैं आपको बता के ये बता पाऊँ कि क्या क्या हमारे लिए वो यूजफुल हो सकता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।